बैतुल बाजार में आरोपियों के हौसले बुलंद, नकाबपोष गिरोह ने मारपीट कर लूट की घटना को दिया अंजाम, सीसीटीवी में हुए कैद। बैतुल, घटना बैतुल जिला मुख्यालय के समीप बैतुल बाजार थाना क्षेत्र की है, जहां बीती दो रात पहले नकाबपोष गिरोह ने एक जगह लूट की और दूसरी जगह और लूट करने का प्रयास किया, जिसमें एक जगह ये नकाबपोष गिरोह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना बैतुल बाजार थाना क्षेत्र की है, जहां बैतुल बाजार रोड पर स्थित बालाजी आवासीय परिसर में बीती रात्रि 3 से 4 बजे के आसपास स्वर्गीय अभिषेक चौधरी के मकान में अज्ञात नकाबपोष लुटेरों ने धावा बोल दिया, जहां लोहे की रॉड से मकान का दरवाजा तोड़कर आरोपी अंदर घुसे और सामान के रूम में अभिषेक के माता पिता सामने के रूम में सो रहे थे। उस रूम को आरोपियों ने बाहर से बंद कर दिया और पूरे घर में घूमने लगे। इस दौरान कुछ आवाजें आई, घर में सोए अन्य सदस्य जाग उठे। कभी ऊपर की मंजिल से लुटेरे नीचे आए, तभी और घर के सदस्य ज्योति पति स्वर्गीय अभिषेक चौधरी रैन वर्मा के साथ राड से मारपीट की, जिसमें ज्योति ध्रुवे के हाथ में गंभीर चोट आई है। साथ ही रैन वर्मा के हाथ का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। लुटेरों ने इसी दौरान ज्योति ध्रुवे की माता गंगा अनिता वर्मा के साथ हथौड़े से मारपीट करने की कोशिश की। अनिता वर्मा ने दोनों हाथों से हथौड़ा पकड़ लिया और लुटेरों द्वारा उनके सोने की माला को गले से छीनकर भाग निकलने में सक्षम हुए। घटना के बाद पीड़ित असीम रैन वर्मा ने 100 डायल को सूचना दी। वहीं दूसरी घटना बैतुल बाजार प्राइड कॉलोनी की है, जहां करीब रात के 3:30 से 5 बजे के लगभग छह नकाबपोष बाबूराव पिता धनाराम बराटे के मकान में लोहे की राड मार कर दरवाजा तोड़ रहे थे, जिसके बाद मकान की खिड़की में राड से कांच तोड़ रहे थे। इस दौरान मकान के मालिक बाबूराव बराटे उठ गए और खिड़की के पास पहुंचकर लुटेरों की लोहे की राड पकड़ ली और जोर जोर से आवाज लगाई, जिसके कारण अन्य सदस्य और आसपास के लोग उठ गए। इसी दौरान नकाबपोष गिरोह घटना स्थल से भागने में सफल हो गए, जिसका कि सीसीटीवी कैमरे में वीडियो भी कैद हो गया। वहीं बैतुल बाजार एसआई जुगल किशोर ने बताया कि बालाजी आवासीय परिसर में लूट की घटना की जांच की जा रही। घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने जांच की है, जिससे पता चला है कि नकाबपोष बालाजी आवासीय कॉलोनी के पीछे के रास्ते से आए थे, जिस पर में उनके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। फिलहाल अज्ञात गिरोह के खिलाफ बैतुल बाजार पुलिस ने 458-380 के तहत मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। मैं मारी थी भाई के साथ। अच्छा। मतलब वो लोग उसको टारगेट कर रहे थे। आपने क्या देखा? मैं उसका बीच बचाव ही कर रही थी, जब वो सारे उस पे दौड़े ना तो मैं बीच में गई, तो वो उनने एक ने पीछे पलट के एकदम यहाँ पे मारा और फिर इधर से मम्मी चिल्लाई तो वो दो लोग मम्मी की तरफ दौड़े और एक मेरे साइड आया, तो मैंने उसका लेके आते डंडा पकड़ा, उत्तम भैया ने चाकू लेके उधर से दौड़ते आए तो चिल्लाए के तो वो भगते बाहर निकल। आपके साथ क्या हुआ? उनने ये पलट के ये मारा और जब उधर से इन भैया ने बोला कि कोने करके तो सित्ते लोग आ रहे, तो उनने दोनों मतलब भैया को भी वो मारा, मारने के लिए खड़े हो गए थे, तो मैंने भी पकड़ लिए, मैंने पकड़ने की कोशिश करी और तो मेरे हाथ में आए और 2-3 साथ में थे वो, तो मैं घूम गई तो इधर पीछे बैक साइड में लगा और वो भैया ने तो पकड़ लिया था। फिर उसके बाद आपको भी लगी चोट? हाँ, वो यहाँ पे आने लगे। कुछ ना जबकि कुछ लेके गए यहाँ से कुछ? हाँ, मम्मी का मंगलसूत्र लेके आए, पेंडल था गले से खींच के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रैन वर्मा। बताइए क्या रात में घटना हुई? कुछ 5 अज्ञात युवक थे, वो घर में गेट तोड़ के मतलब 3:30-3:30 बजे के लगभग अंदर आए और मतलब मैं हम लोग सो रहे थे, जैसे ही मेरे को आवाज़ आई गेट तोड़ने की तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो 3 युवक मतलब वो स्टोर रूम में घुसे हुए थे और 2 लोग ऊपर वाले रूम के मतलब सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जा रहे थे। मैंने जैसे ही मतलब आवाज़ दी उनको कोने करके तो वो लोग मतलब एकदम से उन लोगों के पास में मतलब किसी के पास में हथौड़ी, किसी के पास में लट ये सब चीज़ें लेके आए और मेरे मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो वो पूरे 5 आके मेरे ऊपर अटैक किया उन लोगों ने। अब वो जैसे ही अटैक किया तो मैंने हाथ मतलब सिर पर मार रहा था तो हाथ बीच में किया तो ये 2 जगह फ्रैक्चर आया हुआ हाथ में और मतलब फिर मैं मतलब उधर गया, मैं उधर हथियार उठाने गया, मैंने कहा इनको मतलब
आत्मरक्षा के लिए, मैं उनके पीछे उधर से आया दौड़ते, मैंने कहा रुको मैं बताता हूँ करके, तो वो पूरे जितने चारों पांचों थे वो यहाँ से भागे। क्या लेकर गए? वो मौसी का मतलब मंगलसूत्र छीन के भागे। नकाब पहने हुए थे? नकाब, हाँ, मुंह पे मास्क, मतलब वो कपड़ा लपेटा हुआ था। और भी कहीं पांच लोग थे? और भी कहीं उन्होंने वारदात करी? हाँ, एक कॉलोनी में भी सेम यही सेम ऐसी वारदात हुई है, वहाँ पे भी बस उनने गेट में डाला हुआ था, मतलब उनका जो वो था औजार तोड़ने के लिए, तो वो मतलब जो मकान मालिक था वो जागा हुआ था, तो उसने क्या, उसने जैसी आवाज़ सुनी तो वो रॉड खींच ली उनने तोड़ने के लिए जो डाली थी, तो वहाँ तो अंजाम नहीं दे पाए। जुगल भैया बताएं क्या घटना हुई थी और अब इसमें क्या कार्रवाई हुई? असीम पिता सुरेंद्र वर्मा द्वारा अपनी बहन के साथ में आकर थाने में रिपोर्ट की थी। आज दिनांक 22/2/2024 की रात्रि करीब 3:30 बजे करीब 3-4 बदमाश दरवाजे को ताला तोड़ दिए और अंदर घुस गए, जो नींद खुलने पर उठ जाने पर उसके साथ एकदम मारपीट करने लगे। एक के हाथ में हथौड़ी था, एक के हाथ में डंडा था। मारपीट करने के बाद उतने में उसकी बहन जो है निकली तो उसको भी एक डंडा मार दिए। फिर उतने में मौसी भी आ गई, जो मौसी के साथ भी झुमा झटकी कर लिए और उसके गले का जो है मंगलसूत्र ले लिए। मंगलसूत्र में जो है 3-4 बूंद जो मनी होता है वो नीचे गिर गया और उसका पेंडल लेके चले गए। इसमें क्या मामला? धारा 458-380 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसी दरमियान रात को बाबू राव द्वारा भी सूचना दी गई कि मोक्ष धाम में भी 3-4 बदमाश दरवाजे पर आए थे, दरवाजे को लात लोहे के सब्बल से तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इतने में नींद खुली तो अंदर से दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया, दरवाज़ा नहीं खुले तो खिड़की के ऊपर उन्होंने लोहे की राड मारे। इतने में उसकी लड़की ने टेलीफोन करके सबको बुला लिया, तो फिर वहाँ से भी वो लोग भाग गए, लोग दौड़े तो लोग के भाग गए। अब अपन क्या कर रहे हैं इसमें भी? हाँ, इसमें पूरी टीम लगी हुई है, कैमरा चेक हो रहा है, कैमरा में दिख रहा है कि जो है कौन सा धाम प्राइवेट के तरफ, प्राइवेट जो कमरा है उधर है, 3-4 लोग पीछे तरफ जो भक्कू ढाना तरफ जाता है रास्ता, उधर से आए हैं और उधर भागे। कुछ शिनाख्त किसी की हो पाई है? शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मजदूर टाइप के है जो काम करने वाले हैं, जो देखा परखा है, जिसकी तलाश जारी है।